हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय जनेन्द्र, आदाब, बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं सुप्रिया साहू आप सभी का दिल खोल के स्वागत करती हूँ अपने आज के इस सफर सुप्रिया साहू के ब्लॉग में। अभी शाम का टाइम है और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कच्चे आम हैं जो, तो ये है कच्चा आम। और आई थिंक आप सब गेस कर चुके होंगे कि इस आम का क्या बनने जा रहा है। तो जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका बनने जा रहा है मीठे मुरब्बे। तो जब तक यहाँ पे आम की कटिंग होती है, तब तक मैं चलती हूँ किचन में, झटपट से सब्जी बना लेती हूँ। तब तक ये कट के रेडी भी हो जाएंगे, तब तक मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो गिरता है वो एक दिन संभलता जरूर है, दिन अच्छा हो या बुरा ढलता जरूर है। तो अगर आपका दिन खराब चल रहा है, कुछ उतार चढ़ाव है आपकी जिंदगी में अभी इस टाइम, तो प्लीज अपनी हिम्मत को बनाए रखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। बस जो भी दिन चल रहा है ना, वो ढल जरूर जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और करती हूँ सब्जी की तैयारी, सब्जी बनाने की तैयारी। और यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज को काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस किए हैं प्याज के। और यहाँ पे मैंने बूंदी ली है, जी हाँ, ये बूंदी जिसका रायता बनाते हैं ना, वो यही बूंदी है, वही बूंदी है ये। और इसका मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, ज़्यादा हैरान मत होइए, जी हाँ, बूंदी की सब्जी बनाऊंगी और बहुत टेस्टी होने वाली है। तो आप इसको पूरा देखिएगा तभी तो समझ पाएंगे ना कि सब्जी कैसे बनती है। तो मेरे वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल गरम किया है, उसमें जीरा डाला है और उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची हल्की सी फ्राई की है, फिर प्याज डाल के अच्छे से कर लिया है फ्राई। प्याज के फ्राई होने के बाद से मैंने मसाले डाले हैं, हल्दी डाली है और गरम मसाले डाले हैं, और ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा सूखे मसाले थे, मैंने पानी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब मसाले फ्राई हो गए तो मैंने इसमें बूंदी को मिक्स कर दिया है और नमक मिला के इनको ढक दिया है पकने के लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी है। और अब यहाँ पर हम चलते हैं आम के मुरब्बे बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे सबसे मैंने पचफोड़न से मैंने तड़का दिया है, लहसुन लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है, इन सब से लगा दिया है छौंक, तड़का लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आम मैंने अच्छे से कर लिए हैं 10-15 मिनट फ्राई। और पता है आम ना, इसमें गुठलियाँ पड़ गई थी तो इसलिए थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने पानी डाली है, गुड़ डाल दिया है और इनको भी ढक के रख दिया है पकने को। और ये देखिए, अभी पक रहे हैं मेरे मुरब्बे और यहाँ पे मेरे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा आम का मुरब्बा हो चुका है रेडी। चलिए, हो चुका है खाने का टाइम, हम सब चलते हैं खाना खाने। आप लोग भी खाना खा लीजिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।